हेलो फ्रेंड्स, आज YR/18 लाया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जीवन की कहानी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म फ्री की अली हाल ही में रिलीज हुई है। हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खुद के स्ट्रगल के दिनों की कुछ बातें मीडिया से शेयर की है। नवाजुद्दीन कहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट चुनने में बहुत कठोर हूँ, मुझे रोल पसंद नहीं आए तो कितना भी बड़ा डायरेक्टर क्यों ना हो, मैं फिल्म नहीं करूँगा। वह कहते हैं भले ही मुझे अपने गाँव वापस जाना पड़े, वे अभी भी खुद को सक्सेसफुल एक्टर नहीं मानते हैं। मुझे ईगो कभी आ ही नहीं सकता। मेरी लाइफ में ऐसे 12 से 15 साल आए जिनमें मेरे पास कोई काम नहीं था। उस दरमियान मेरे साथ के लोग बहुत बड़े स्टार बन गए और खत्म भी हो गए। जब उन्हें थोड़ा या काफी कुछ मिला तो उनका अहंकार मैंने देखा है, उससे मैं बहुत डर गया था। तभी सोच लिया था कि मैं ये चीजें अपने साथ नहीं होने दूंगा। वह कहते हैं कि मैं इतनी बार फेल हुआ लेकिन कभी निराश नहीं हुआ। मुझे पता था कि कभी कोई चमत्कार नहीं होता, बस काम करते रहना है, चाहे स्ट्रीट प्ले हो, थिएटर हो, सीरियल हो या फिर फिल्म हो या किसी के घर में जाके शो करो। मैंने यही डिसाइड किया, काम तो रोज करूंगा चाहे फ्री में जाकर करूं, क्योंकि यदि काम नहीं करता तो डिप्रेशन मुझ पर हावी हो जाता। नवाजुद्दीन कहते हैं कि मैं दुआओं वगैरह कुछ नहीं मानता, मुझे मालूम है मैं जितनी मेहनत करूंगा वही काम आएगा। हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।